हाई कोर्ट के आदेश के बाद सफाई कर्मियों ने खत्म की हड़ताल। पटना में रात में साफ सफाई शुरू। सुशील मोदी ने हेमंत सोरेन के बयान की निंदा की, कहा बिहार और सभी हिंदी प्रेमियों का अपमान। पंचायत चुनाव के तीसरे चरण के लिए अधिसूचना आज होगी जारी। 16 सितंबर से शुरू होगी नामांकन की प्रक्रिया। नहीं थम रहा वायरल फीवर से मौत का सिलसिला। एनएमसीएच में करीब 6 बच्चों की मौत। भागलपुर में भी फुल हुआ शिशु वार्ड। नमस्कार, डीटीवी भारत में आपका स्वागत है। मैं हूं पूजा वर्मा और अब खबरें विस्तार से। पटना नगर निगम के सफाई कर्मियों ने पिछले एक हफ्ते से जारी अपनी हड़ताल खत्म करने का ऐलान किया है। मंगलवार को पटना हाई कोर्ट में इस मुद्दे पर हुई सुनवाई के बाद सफाई कर्मियों ने अपनी हड़ताल खत्म कर काम पर वापस लौट आए हैं। कोर्ट ने सुनवाई के दौरान सफाई कर्मियों के साथ उनकी मांगों को लेकर बैठक करने और अगले 8 सप्ताह के अंदर हलफनामा दायर करने का निर्देश दिया है। अदालत ने सफाई कर्मियों की मांगों को ध्यान में रखते हुए सरकार को उनके साथ बातचीत कर इसका हल निकालने का आदेश दिया है। बता दें कि पटना नगर निगम के 6000 सफाई कर्मी अपनी 12 सूत्री मांगों को लेकर बीते 7 दिनों से हड़ताल पर थे। इस पर देखिए एक खास रिपोर्ट। लगातार जिस तरीके से पटना की बात कर ले या बिहार के अलग अलग जिलों की बात कर ले, लगातार कचरों की स्थिति की वजह से लोग परेशान थे। लोगों की स्थिति बदहाल होती जा रही थी कचरे की वजह से, लेकिन अब 7 दिनों के बाद यह हड़ताल खत्म हो गया है और लोगों को अब कचरे से निजात मिलेगी, क्योंकि रात से ही जो सफाई कर्मी हैं वो अपने कामों पर जुट गए हैं। शहर को साफ करने का जो सिलसिला है अब जारी कर दिया गया है। देखिए एक खास रिपोर्ट। ये तस्वीरें बिहार के स्मार्ट सिटी की है। ये तस्वीर राजधानी पटना की है, जो इस वक्त अपने हाल का रोना रो रहा है। अब आप सोचेंगे कि हम इसे स्मार्ट सिटी क्यों कह रहे हैं। हम ये बात इसलिए कह रहे हैं क्योंकि स्वच्छ भारत अभियान की ये तस्वीर तो कतई नहीं हो सकती। जगह जगह कचरों से पटा सड़क लोगों के लिए नरकीय बना है। इसकी वजह शहर को स्वच्छ रखने वाले सफाई कर्मियों का हड़ताल है, जहां वे अपनी 12 सूत्री मांगों को लेकर सरकार के खिलाफ आंदोलन कर रहे हैं। इनके हड़ताल पर जाने से साफ सफाई पूरी तरह चरमरा गई है, लेकिन ना ही सरकार इनकी मांगों को मानना चाहती है और ना ही प्रशासन ने अब तक कोई बेहतर पहल की है। वहीं दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी ने सफाई कर्मियों को अपनी मांगों को दरकिनार कर साथ चलने की बात कही है। देखिए, सफाई कर्मचारी हड़ताल पर हैं, उनकी कुछ मांगे हैं। मैं मानता हूं कि उनकी मांगे जो है से बहुत हद तक कुछ जायज भी हो सकती है, लेकिन अभी कोरोना का काल है और कोरोना के काल में सब लोगों को साथ देने और सहयोग करने की आवश्यकता है। सरकार जिस तत्परता से इस कोरोना के काल में निपटने में लगी हुई है, हर लोगों की सेवा करने में, हर लोगों को टीकाकरण करने में, तो सफाई कर्मचारियों का भी दायित्व बनता है कि आप अपनी मांगों को दरकिनार कर कर करके और सरकार का सहयोग करें। आपकी मांगे मैं मानता हूं जायज है, लेकिन इसको बाद में भी पूरा किया जा सकता है। इधर सरकार की लाख कोशिशों के बाद भी नहीं मानने वाले सफाई कर्मियों को मनाने के लिए सरकार ने पटना हाई कोर्ट में अपील कर मामले की सुनवाई करने की अपील की है, जिस पर सुनवाई करते हुए मुख्य न्यायाधीश संजय करोल और न्यायाधीश एस कुमार ने नगर विकास एवं आवास विभाग और पटना नगर निगम प्रबंधन को निर्देश दिया है कि 4 हफ्ते के अंदर सफाई कर्मियों की मांगों पर निर्णय लें। वहीं सुनवाई के दौरान सरकार के वकील ने कहा कि सरकार सफाई कर्मियों की मांग पर चर्चा कर रही है। इसके जवाब में सफाई कर्मियों के तरफ से अधिवक्ता ने कहा
कि अगर सरकार हमारी मांगों पर विचार कर रही है तो हम हड़ताल वापस लेने को तैयार हैं। वहीं कोर्ट के इस आदेश के बाद उम्मीद है कि सफाई कर्मी जल्द ही काम पर लौटेंगे और शहरों में फैला हुआ कचरा जो कि शहर को नरकीय बना चुका है इससे जल्द ही निजात मिल जाएगा। लेकिन सबसे बड़ा सवाल कि पिछले 8 दिनों से हड़ताल पर बैठे सफाई कर्मियों की मांग अगर सरकार मानने को तैयार है, जिस पर विचार भी कर रही है, तो पहले ही सफाई कर्मियों के साथ बैठक कर विचार कर सकती थी, लेकिन सभी बैठकें बेनतीजा रही। ऐसे में सवाल ये भी है कि क्या सरकार की मंशा है कि वह सफाई कर्मियों को राहत देना चाहती है या सिर्फ आश्वासन के बहाने ही पुनः चतुर्थ वर्गीय कर्मचारियों को काम पर लाने की एक चाल है, ये तो वक्त ही बताएगा। जीटीवी भारत के लिए ऋतिक की रिपोर्ट। बीजेपी सांसद सुशील मोदी ने झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के भोजपुरी और मगही भाषा को लेकर दिए गए बयान की निंदा की है। उन्होंने कहा है कि जो भाषाई हेमंत ने प्रकट की है वह एक संवैधानिक पद पर बैठे व्यक्ति के लिए सर्वथा अनुचित और अशोभनीय और निंदनीय है। सुशील मोदी ने हेमंत सोरेन के इस बयान को लेकर आरजेडी और कांग्रेस पर भी निशाना साधा है। दरअसल एक इंटरव्यू के दौरान हेमंत सोरेन ने कहा कि भोजपुरी और मगही बोलने वाले लोगों को डोमिनेट नेचर से यानी कि वर्चस्व चाहने वाला होता है। उन्होंने कहा कि अविभाजित बिहार में झारखंड की महिलाओं के साथ गलत काम करने वाले ये भाषाएं बोलते हैं। उन्होंने कहा कि इन दोनों भाषाओं का झारखंड के आंदोलन से कोई लेना देना नहीं है और ये बिहार की भाषाएं हैं। बाढ़ आपदा से पीड़ित परिवारों को हर हाल में सहायता मिले, इसके लिए सूची तैयार कर सही नुकसान का आकलन करने का आदेश दिया गया है। बता दें कि आपदा प्रबंधन के प्रावधानों के अनुसार इन्हें शीघ्र ही उचित मुआवजा दिलाए। ये बातें उप मुख्यमंत्री सह जिला प्रभारी मंत्री तारकिशोर प्रसाद ने कही है। उप मुख्यमंत्री एक दिवसीय दौरे पर मुंगेर पहुंचे थे, जहां उन्होंने कलेक्टर परिसर में कक्ष में अधिकारियों के सामने विशेष बैठक में उन्होंने कहा कि पिछले दिनों गंगा में आई बाढ़ के कारण दियारा ही नहीं शहरी क्षेत्र के भी गंगा तटवर्ती इलाकों में रहने वाले परिवारों को काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा है। बाढ़ एवं सहाय और सुखाड़ पर विस्तार से समीक्षा बैठक हुई है। विगत दिनों माननीय मुख्यमंत्री जी ने विस्तार से समीक्षा की थी और 14 और 15 सितंबर को सभी प्रभारी मंत्री अपने अपने जिलों में समीक्षा बैठक करके उसकी समीक्षा करके फिर उसमें अगर कुछ चीज़ें छूटी है उन सारे चीज़ों को हम लोग जो बाढ़ पीड़ित हैं उसके लिए आवश्यक कदम उठाएंगे। मुंगेर की बैठक में विस्तार से हमने चर्चा की और राज्य सरकार के द्वारा जिला प्रशासन के द्वारा जो भी बेहतर कार्रवाई की जा सकती है प्रशासन ने करने का प्रयास किया है और हमारे माननीय विधायकों के द्वारा भी कई सुझाव आए हैं। हमने विशेष आमंत्रित करके सभी राजनीतिक दल के प्रतिनिधियों को भी हमने आज बुलाया। बाढ़, ओलावृष्टि और आपदा से हुई क्षति का आकलन करने बिहार की डिप्टी सीएम सह जिले की प्रभारी मंत्री रेणु देवी बेगूसराय पहुंची। इस दौरान कलेक्टर स्थित कारगिल भवन में अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों के साथ बैठक का आयोजन किया गया। इस बैठक में जिले के 7 विधानसभा के विधायक, डीएम अरविंद कुमार वर्मा, 10 प्रखंडों के सीओ और अन्य अधिकारी मौजूद रहे। बिहार के पथ निर्माण मंत्री नितिन नवीन ने बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का भ्रमण किया। बाढ़ से प्रभावित इलाकों का दौरा कर फसलों की क्षति का आकलन किया जाएगा। बाढ़ से हुए नुकसान का जिलाधिकारी कुंदन कुमार ने मंत्री को अवगत कराई और मंत्री नितिन नवीन गाड़ी से उतरकर खुद खराब सड़कों को देखा और पदाधिकारियों से कहा कि जब बाढ़ का पानी सड़क पर आया ही नहीं तो सड़क कैसे खराब हो गई। उच्च स्तरीय जांच का आदेश देते हुए कहा कि किसी भी कीमत पर कार्य में लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी।
पटना में राजद की सदस्यता ग्रहण करने के बाद जेडीयू के पूर्व एमएलसी कृष्ण कुमार सिंह ने कहा है कि शाहाबाद की जनता अब राजद का समर्थन करेगी। किसानों का वोट लेकर बिहार में मंत्री से लेकर मुख्यमंत्री बने, मगर किसानों के हित को लेकर कोई काम नहीं होता है। बिहार के किसानों को यूरिया नहीं मिल रहा है, जिस कारण फसल बर्बाद हो रही है। किसानों का अनाज आज भी बिचौलियों ले रहे हैं। वही भाषण देते वक्त कृष्ण सिंह की जवाब उस वक्त फिसल गई जब वह राजद जिंदाबाद कहने की जगह जेडीयू जिंदाबाद बोल गए। हमने के अभिभावक माननीय जगता बाबू के नेतृत्व में जौन अब की लड़ाई भैल बा शाहबाद में का पूरे बिहार में ये कहीं बतावे के नहीं थे। हम अपने कहम कि चलाकवा चलाके कर ले बाज ना आवे, तब बुर्बकवा बुझे ले बाज ना आवे। और सबसे बेवकूफ किसान मजदूर के संघ का ही सरकार। हम चाहब रउआ लोग एकजुट होके जात पात छोड़ी, मानव एगो जाति बा, मानवता हमनी के धर्म बा। बिहार में पंचायत चुनाव की प्रक्रिया जारी है। पंचायत चुनाव के दूसरे चरण के लिए नामांकन पत्र दाखिल करने का काम पूरा किया जा चुका है। अब तीसरे चरण के लिए अधिसूचना जारी होने वाली है। प्रदेश में पंचायत चुनाव के तहत तीसरे चरण के लिए 35 जिलों के 50 प्रखंडों में चुनाव को लेकर अधिसूचना आज जारी होगी। तीसरे चरण के लिए नामांकन की प्रक्रिया 16 सितंबर यानी कि कल से शुरू होगी। मुंगेर में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के मद्देनजर पुलिस अधीक्षक मुंगेर के दिशा निर्देश पर हर रोज वाहन चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है। इसी वाहन चेकिंग अभियान के तहत संग्रामपुर पुलिस ने करीब 40 लीटर देशी महुआ शराब और एक मोटरसाइकिल के साथ एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया है। फिलहाल पुलिस आगे की कार्रवाई में जुट गई है। मोतिहारी में सेल टैक्स विभाग के अधिकारियों ने साई ट्रेडर्स के ठिकानों पर छापा मारा। छापेमारी दल का नेतृत्व संयुक्त आयुक्त मोहन कुमार कर रहे थे। संयुक्त आयुक्त ने बताया है कि कई माह से सेल टैक्स की राशि जमा करने में गिरावट आ रही थी, जिसको लेकर छापेमारी की गई। विभागीय सचिव ने इसके लिए आदेश दिया था। छापेमारी के दौरान गोदाम में रखे गए सामग्रियों का भौतिक सत्यापन किया गया। बिहार का दूसरा सबसे बड़ा अस्पताल RMCH में वायरल फीवर से लगातार बच्चों की मौत। अभी तक जो है कुछ 6 बच्चों की मौत हो चुकी है और वायरल फीवर से अब तक लगातार जो मौतों का सिलसिला है वो जारी है। सुप्रिटेंडेंट डॉक्टर विनोद सिंह के अनुसार NMCH अस्पताल में वायरल फीवर से बच्चों के इलाज के लिए तमाम सुविधा उपलब्ध है, लेकिन सच्चाई इससे बिल्कुल इतर है। वहीं मरीज के परिजनों का कहना है कि अस्पताल में दवा नहीं मिल रही है, जिसके कारण मरीज के परिजनों और डॉक्टरों के बीच झगड़ा भी होता है। नालंदा मेडिकल कॉलेज अस्पताल के टोटल 750 बेड हैं, जहां 859 मरीजों का इलाज NMCH में चल रहा है। भागलपुर में नेहरू मेडिकल कॉलेज अस्पताल के शिशु वार्ड में सभी बेड फुल हो चुके हैं। हालत यह है कि एक बेड पर 2 से 3 बच्चों का इलाज चल रहा है। अधिकतर बच्चों को सर्दी खांसी और बुखार है। उनको सांस लेने में तकलीफ हो रही है, जिससे लोग काफी भयभीत दिख रहे हैं। वहीं इस मामले पर भागलपुर के विधायक अजीत शर्मा ने बिहार सरकार पर निशाना साधते हुए कहा है कि प्रदेश में स्वास्थ्य विभाग नाकारा हो गया है। लोग कोरोना संक्रमण की तीसरे वेव को लेकर डरे हुए हैं, लेकिन जो काम किया जाना चाहिए वो अब तक नहीं हुआ है। विधायक ने इलाज में लापरवाही बरतने वाले अधिकारियों और कर्मचारियों पर कार्रवाई की भी मांग की है। नालंदा में कोरोना वैक्सीन लेने के बाद एक महिला की मौत हो गई। मामला चंडी थाना क्षेत्र के फाटा बिघा गांव की है। वैक्सीन लेने के बाद महिला की तबीयत अचानक बिगड़ने लगी। इसके बाद उन्हें उपचार के लिए प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया गया, जहां इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई। बताया जा रहा है कि गांव में आंगनबाड़ी केंद्र पर कोरोना का टीका लगाया जा रहा था, जहां महिला ने वैक्सीन लगवाई थी, जिसके तुरंत बाद ही महिला की तबीयत खराब होने लगी। फिलहाल पुलिस महिला की मौत की गुत्थी सुलझाने में लगी है। जी कल कोविड का वैक्सीन पड़ा था,
करीब करीब 4 बजे के लमसम, 1-2 घंटा के बाद उनका तबीयत खराब होने लगा। 11-12 बजे के आसपास हॉस्पिटल लेके गए, वहाँ पर कोई भी डॉक्टर मतलब 2 घंटा तक कोई हाथ लगाने के लिए तैयार नहीं था। इसी दौरान उनका मृत्यु हो गया। मृत्यु के बाद डॉक्टर साहब बोले कि मतलब इनको बिहार ले जाइए। कटिहार में जल जमाव को लेकर पानी टंकी चौक पर जमकर प्रदर्शन किया गया। उनकी एक मांग है कि जल जमाव की समस्या से निजात दिलाया जाए। लोगों ने बताया कि कई महीनों से इस जगह पर जल जमाव की समस्या है, जिससे लोग बीमार हो रहे हैं। कई बार नगर निगम से लेकर जिला पदाधिकारी को अवगत कराया गया, लेकिन अब तक इसका निदान नहीं निकला। कैमूर के रामपुर स्थानीय प्रखंड में किसानों के बीच इन दिनों खाद की काफी किल्लत है, जिससे किसानों के बीच हाहाकार मचा हुआ है। वहीं रामपुर प्रखंड के बेलवा बाजार में एक दुकान पर 14 दिनों बाद यूरिया खाद वितरण के लिए 1000 बैग पहुंचा। खाद वितरण होने की सूचना मिलते ही प्रखंड क्षेत्र के विभिन्न गांवों से सैकड़ों की संख्या में किसान खाद लेने लाइन में लग गए, जहां दुकान पर किसानों की काफी भीड़ देखने को मिली। कटिहार इंजीनियरिंग कॉलेज के छात्रों ने किसान रोबोट का प्रारूप बनाया है, जो किसानों के हित को ध्यान में रखते हुए बनाया गया है। इसमें यह बताया गया है कि किसान कैसे कम खर्च पर अधिक फसल उपजा सकते हैं। इंजीनियरिंग के सहारे जिस तरह से इसे विकसित किया गया है, वह बिहार को आत्मनिर्भर बनाने के सपने को 4 चांद लगा सकता है। ये मेरा मैकेनिज्म बेस्ड मल्टीपर्पज स्प्रेइंग मशीन है। इसका यूज़ हम खेतों में स्प्रे करने के लिए करते हैं। पहले हम लोग खेतों में स्प्रे करते थे तो पीठ पे 16 लीटर का वो बैग लाद के ले जाना पड़ता था, और फिर उससे हम गिर भी सकते थे, वो बहुत ज़्यादा भारी होता था। इसलिए हम लोगों ने ऐसा प्रोजेक्ट सोचा जिसको हम लोग बिना पीठ पे लादे हुए बहुत आसानी से बहुत कम दामों में यूज़ कर सके। सरायकेला के जिला कलेक्ट्रेट सभागार में उपायुक्त की अध्यक्षता में बैठक हुई। उपायुक्त ने आधारभूत संरचना से संबंधित सभी विभागों का बारी बारी से समीक्षा कर कार्य प्रगति की जानकारी ली। सभी विभागों के लंबित कार्य को जल्द से जल्द पूरा करने का आदेश दिया। कार्य में प्रगति लाने के लिए सभी पदाधिकारी आपसी तालमेल से कार्य करें। महीने में हम लोग अपडेट भी कराएंगे। सभी जिला के भाई बहनों से अनुरोध करता हूँ, आपके गांव में भी यदि कोई ऐसे वृद्धजन या कोई ऐसे विधवा बहन जो विधवा पेंशन योजना से छूटी हुई हो, या कोई ऐसे वृद्धजन जो बहुत गरीब श्रेणी में आते हैं लेकिन उनका पेंशन की सुविधा नहीं है, तो आप कृपया प्रखंड विकास प्राधिकारी से सीधा भी संपर्क कर सकते हैं, या जो पंचायत स्तर पर इस तरह का जो कैंप कर रहे हैं, प्रति महीना 4 कैंप हर वीडियो 4 पंचायत में करेंगे, एक एक पंचायत में एक वीक में। सरायकेला जिले के राजनगर थाना क्षेत्र में रुगरी साई गांव निवासी एक युवक का शव बरामद हुआ। उसके पेट में चाकू के निशान पाए गए हैं। घटना के बाद इलाके में सनसनी फैल गई है। वहीं परिजनों ने हत्या की आशंका जताते हुए टाटा सरायकेला मुख्य मार्ग को जाम कर दिया और शव लेने से इनकार कर दिया। जानकारी मिलते ही सरायकेला पुलिस मौके पर पहुंची और बल प्रयोग करते हुए सड़क जाम को खत्म कराया। बाद में युवक के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। अच्छा, आपके ऊपर भी लड़का पुलिस हाथ उठाया क्या? ज्यादा नहीं कर रहा था। अच्छा, आपके साथ भी मैंने खींचा कुछ ढकला ढुकली किया है? मेरे भाई को मार रहा है, मेरे भाई को। फिलहाल खबरों में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए डीटीवी भारत। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार। Oh,